पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रही हैं और उस पर जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन को लगाया है, उसको लेकर अस्पतालों में मरीजों के परिजन जो काफी दूर दूर से आए हुए हैं, यहां पर रुके हैं, उन लोगों की समुचित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के युवा नेता और अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले मनीष यादव ने लगातार भोजन आदि की व्यवस्था कर मदद की है लोगों की। कोरोना महामारी से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग इस परेशानी में अस्पतालों में पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके जो मरीजों के परिजन हैं वो किस तरह से अपनी व्यवस्थाओं को करें, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, दुकानें बंद हैं, तो आखिर उनकी समुचित व्यवस्था कौन करे, भोजन किस तरह से प्राप्त करें, इन सब बातों को लेकर विशेष ध्यान देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता मनीष यादव जी आगे बढ़े और मसीहा बनकर उन लोगों के मदद के लिए निकले। और आपको बता दें कि रोजाना हजारों लोगों को भोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था की बात हो, सभी तरह से लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ये लगातार लॉकडाउन चल रहा, उसके बाद ये महामारी चल रही, इसमें लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, ऐसे में वाकई मसीहा बनकर आना एक बड़ी बात है और लोगों को समुचित व्यवस्था देना भी एक बड़ी बात है। लखनऊ से लाइव टुडे के लिए मैं जय त्रिपाठी।